फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं एक फिडाटो के लोडर के साथ खड़ा हुआ हूँ। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है फिडाटो की तरफ से। ऑफकोर्स इसकी लोडिंग कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है और इसका बैटरी रेंज की अगर बात करें तो आपको ये 70 किलोमीटर का एक अच्छा खासा रेंज दे देता है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ा करके कस्टमाइज बैटरी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 75,000 से स्टार्ट हो जाता है ये। और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार सामान ले आना ले जाना पड़ता है, काफ़ी अच्छा खासा लोड रहता है, तो उसके लिए आपको बार बार किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नाइट में चार्ज करिए, दिन भर का आपका काम ये बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। तो एक यूटिलिटी जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपकी वैसी यूटिलिटी है तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपको ये मिल जाएगा। यानी आरटीओ का भी झंझट नहीं है इस गाड़ी में, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो एज़ पर द नॉर्म है, जहाँ पे आपको किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब बढ़ते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के साथ और आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी में कहाँ कहाँ पर कैसा स्पेस मिलता है और कैसा इसका है फिजिकल ओवरव्यू। फ्रेंड्स अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट का प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है। जो टायर का डिस्क्रिप्शन ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक CH का टायर है। आई गेस अगर यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो ये आपको एक तरह से एक लगेज का प्रॉपर बास्केट मिलता है आगे की तरफ, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। अगर इस साइड की बात करें साइड प्रोफाइल की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिलता है ये प्रॉपर फिडाटो का लोडर। अब इस लोडर में अगर आप देखेंगे ऊपर फ्रंट पार्ट तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लेग गार्ड जो मेटल का बना हुआ है, काफ़ी मजबूत है। वायर वगैरह प्रॉपर कहीं से आपको वाटर डैमेज ना होने पाए इसलिए इसको एक इसमें रैपर में रखा गया है। नीचे का भी पार्ट काफ़ी स्ट्रांग ब्यूट लग रहा है। अगर ये आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिंगो की बैजिंग मिलती है और यही इसका एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट होने वाला है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एम्बलम देखने को मिल रहा होगा। इस साइड इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे मिलता है इसका एक चार्जिंग सॉकेट और यहीं पे एक एक्स्ट्रा की दी गई है इसको, मतलब मेन से स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे कई सारे सॉकर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक बेहतरीन सस्पेंशन आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, किसी भी तरह से आपके कोई लोडर में कोई लगेज डैमेज ना होने पाए इसका खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे सस्पेंशन कई सारे हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपका यहाँ पे उसको ओपन करने के बाद अच्छा खासा एक यहाँ पे आपको कुछ बांधने का जगह मिल जाता है। यानी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर सीट भी आपका ओपन हो जाता है और पूरा ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपका लगेज का कंपार्टमेंट मिलता है। इनकेस अगर आपको कहीं बैठना है एज अ पैसेंजर तो आपको एक बेहतरीन सिटिंग पोजीशन मिल जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा एक सिटिंग एरिया मिल जाता है और आप इधर और इधर देख सकते हैं। उस केस में आपका ये एक तरह से लेग गार्ड का भी काम कर जाएगा। यहाँ पे आपको पीछे एक सपोर्ट भी दिया गया है एक सेपरेशन के लिए। बीच में आपको यहाँ पे एक हैंडल है जो आप बीच वाले पैसेंजर को पकड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर अगर आप लगेज रखेंगे तो आपको बांधने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। ये है मेन सीट, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। एक लॉन्ग टाइम है क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने वाले हैं आप, तो आपको कोई कंफर्ट में इशू ना हो इसलिए सीट्स काफ़ी अच्छी कुशन्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर वहीं पे बात करें इसके कंट्रोल्स की तो इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक इस एक तरह से सेटिंग बटन है। एक आप इसको तीन मोड्स में चला सकते हैं, यानी इको जैसे आप गाड़ियों में देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड करनी है या लो स्पीड, उस हिसाब से आप इस बटन से इसको सेट कर सकते हैं। हॉर्न का बटन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन ऑफ करने का स्विच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है जिसको एक स्विच भी दिया गया है। इनकेस अगर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो गया है तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ये प्रॉपर इस तरह से बंद हो जाता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका स्पीडोमीटर है, फुली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है आपको, किसी तरह का कोई मैनुअल यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन की का इंसर्ट है और ये आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है गाड़ी के लुक को एनहांस करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक तरह से लो बीम हाई बीम एडजस्टमेंट का स्विच है और ये आपका इंडिकेटर का प्लेसमेंट है और दोनों ही तरफ आपको हॉर्न का प्लेसमेंट मिल जाता है। ये भी एक हॉर्न का बटन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक बटन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ये काफ़ी स्पेशल फीचर हो जाता है। इस गाड़ी को आप रिवर्स गियर में भी चला सकते हैं। आपने देखा होगा रिवर्स मोड काफ़ी एक मतलब गियर सी चीज़ होती है बाइक के लिए, बट आपको इस एक तरह से लोडर में आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप गाड़ी को
5 से 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप इसको पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये इसका आपका बैक व्यू मिरर है, या इसको ORBM भी हम कहते हैं अच्छे शब्दों में, जो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लार्ज एरिया है और काफ़ी स्टाइलिश है। अगर ओवरऑल आप लुक की बात करेंगे तो आप इसको पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग तरीके से फिडेटो ने इसको डिज़ाइन किया है। नीचे भी आप देख सकते हैं फ्लोर का जो मेटल का बना हुआ है, ये प्लास्टिक नहीं है। जनरली पैसेंजर व्हीकल भी प्लास्टिक का होता है एक अच्छा लुक के लिए, बट ऑफकोर्स यहाँ पे भी लुक को इन्हांस करने के लिए एक डिज़ाइन इंसर्ट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर एक सिटिंग पोजीशन मिलता है इस गाड़ी में। अगर हम इसके पीछे से लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिलता है यहाँ पे लोडर का पीछे का लुक। और यहाँ पे भी आप कुछ हिंज का अगर कुछ बांधना हो रस्सी के लिए आपको हेल्प कर देगा एक प्रॉपर, यहाँ पे उसका भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि लोडर में अगर आपको कभी कुछ बांधना पड़ जाए तो यहाँ पे आपको 2 हिंज दिया गया है। इस साइड में इसका एक प्रॉपर पीछे का एक तरह से लाइट दिया गया है, बैक लाइट जो पूरी तरह से LED है। यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल किया गया है और ये पीछे आपको मडगार्ड मिलता है। यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा कि किस तरह से इस पे एक बेहतरीन काम किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है फिडेटो ब्रांड की तरफ से, एक इन्वेंशन ही कहेंगे। इस टाइप का सेगमेंट एक रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है लोगों की, अगर आप किसी तरह से डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बार बार लगेज पार्सल इधर उधर करना पड़ता है, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। नॉट इन द केस ऑफ प्राइस, इस केस में भी, क्योंकि आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होने वाला है इसके साथ। सबसे बेहतरीन चीज़ इस लोडर की आप देख सकते हैं कि आपको आपकी सेफ्टी का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। ऑफकोर्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है और अचानक से आप ड्रम ब्रेक से कहीं ब्रेकिंग करेंगे तो आपको डैमेज होने का चांस रहता है, तो इसलिए इसके पिछले टायर में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। क्योंकि डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल पीछे के टायर में होने का वजह यह है कि आपका लोड इस तरफ ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ राउंड शेप में आपको आपके फुटरेस्ट मिल जाते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। कुछ स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया है एक बेहतरीन इन्हेंस लुक देने के लिए। जगह जगह पे यहाँ पे आपको रिंगो की बैजिंग मिलती है, ऑफकोर्स ये इनका एक ब्रांड नेम भी हो सकता है इस गाड़ी के लिए, और ये ओवरऑल आपका लुक है। फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस की बात करें, अगर आप इसके स्टार्टिंग मॉडल को प्लान करते हैं तो 70 to 80 किलोमीटर का आपका अच्छा खासा आपको रेंज मिल जाता है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो आपको 75,000 में आपको ये एक तरह से ऑन रोड मिल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। तो आपको सिर्फ अपने पॉकेट से 75,000 दे करके एक इंटरेस्टिंग सा आपको लगेज पार्सल धोने वाला ये आपको बाइक मिल जाता है। वहीं पे अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं अपने रेंज को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा वो भी आप उसको करके इसका एक तरह से हायर रेंज के लिए आप कोई और ऑप्शन इसमें कस्टमाइज करा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस बाइक को पसंद किया है, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो, एंड आप लखनऊ के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर आप इस लोकेशन को विजिट करके इस गाड़ी को देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोमो मोटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी तरह।